जय माता दी। जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह पीड़ित होता है या नीच के होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खास तौर से स्त्री वर्ग से संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। आपकी अर्निंग तो अच्छी होती है लेकिन लग्जरी पे ना खर्च होते हुए वो कहीं ना कहीं दवाइयों में या कोर्ट कचहरी में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपके चेहरे पे तो बहुत तेज है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है तो आप देखेंगे कि आप अच्छे से अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, फिर भी आप कहेंगे यार ग्लो तो आता ही नहीं है हमारे चेहरे पे, क्योंकि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा होना यानी कि आपके चेहरे पे अलग ही तेज होना। तो अगर ऐसा है तो ऐसे में आप 40 दिन लगातार एक उपाय करके देखिए, अगर स्किन की प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। सफ़ेद चावल बनाकर, मीठे चावल बनाकर, उसमें गाय का घी ऊपर से मिलाकर, और आप लड्डू बनाइए, 6 लड्डू बना करके, 6 के 6 लड्डू। इस उपाय की शुरुआत शुक्रवार से करिए, गौ माता को खिलाकर आना शुरू करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और अगर स्किन संबंधित प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएंगी।